नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पनीर पंजाबी की रेसिपी बता रहे हैं। पनीर पंजाबी कैसे बनाया जाता है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट वाले इतना अच्छा टेस्ट कैसे देते हैं, सेम वैसे ही पनीर पंजाबी की रेसिपी हम आपको बताएंगे। आज घर पे बना सकते हो बड़ी आसानी से, वैसे ही टेस्ट थोड़ा स्पाइसी बनेगा ये पनीर हमारा। ये देखिए, इस टाइप से हमारा पनीर पंजाबी बन के तैयार हुआ है। इसी टाइप से आप पनीर पंजाबी बनाओगे तो रेस्टोरेंट जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे ही आप बना के खा सकते हो और अपने पैसे बहुत सारे बचा सकते हो। ऐसी रेसिपी हमने आज आपको बताई है, इसी टाइप से आप बनाओगे तो सेम वैसे टेस्ट आ जाएगा रेस्टोरेंट जैसा। इसमें बहुत सारे सीक्रेट है हमारे, हमारे वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो आइए ऐसे टेस्टी और स्पाइसी पनीर पंजाबी बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पनीर लिया है 200 ग्राम समथिंग पनीर लिया है। एक प्याज को बारीक बारीक चॉप किया है, थोड़ा सा धनिया, 5 से 6 कली गार्लिक को चॉप किया है, एक हरी मिर्ची को बड़ी बड़ी चॉप की है, 2 खड़ी मिर्ची ली है सूखी वाली और 5 से 6 हरी मिर्ची को चॉप किया है। इस टाइप से सारी तैयारी हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है पनीर पंजाबी की। सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, उसको अच्छे से गरम करेंगे। गरम होने के बाद उसमें ऑयल ऐड किया जाएगा 1 बड़ा चम्मच। देखिए ऑयल ऐड किया जाएगा इसमें, इस टाइप से ऑयल ऐड कर देंगे। और ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, उसके बाद इसमें फ्राई करेंगे हम सबसे पहले पनीर को। देखिए पनीर को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इस टाइप से पनीर को हल्का से फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। हमने इस टाइप से पनीर को फ्राई कर लिया अच्छे से। पनीर फ्राई होने के बाद इसमें फ्राई करेंगे हम शिमला और प्याज को, बड़े बड़े भाग में काट के इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पनीर पंजाबी में शिमला और प्याज के बड़े बड़े पीस डालेंगे, थोड़े से हरी मिर्ची के साथ, 2 खड़ी मिर्ची के साथ फ्राई करेंगे। इस टाइप से सभी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद हमारे ऑयल में ऐड किया जाएगा जीरा, जीरा को ऐड कर दिया, थोड़ा सा राई, सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। उसके बाद ऐड किया जाएगा गार्लिक, गार्लिक को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी अच्छे से ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद आखिरी में प्याज को ऐड कर देंगे। इस टाइप से सभी मसालों को ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। आइए मसाले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, मसा कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी को ऐड किया गया। सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं हम। हल्का सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए इस टाइप से हमारा मसाला पकने के बाद ऑयल छोड़ देगा, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। मसाला ऑयल छोड़ेगा आपका पकने के बाद,
हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। ये हमने ग्रेवी बना रखी है, प्याज और टमाटर को अच्छे से पीस के पका के खड़े मसाले में इसको अच्छे से फ्राई करके ग्रेवी बना रखी है हमने प्याज और टमाटर की। इसको ऐड करेंगे हम, इस टाइप से हम ग्रेवी को ऐड कर देंगे। देखिए ग्रेवी को ऐड कर दिया है हमने अच्छे से। इस टाइप से हमारे ग्रेवी 2 से 5 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई करके उबालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। जब तक कलर नहीं छोड़ दीजिए तब तक इसको पकाते रहेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें पनीर, प्याज, शिमला और खड़ी मिर्च जो हमने फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। इस टाइप से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले डालेंगे गरम मसाला। देखिए गरम मसाला डाल दिया है। फिर डालेंगे इसमें किचन किंग खुशबू का किचन किंग, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे धनिया। देखिए धनिया ऐड कर दिया आखिरी में। और आखिरी में डालेंगे इसमें खुशबू का मैजिक मसाला, थोड़ा स्पाइसी टेस्टी चटपटा लाने के लिए हमने पुष्प का मैजिक मसाला ऐड कर दिया। इससे टेस्ट आपके पनीर का अच्छा आएगा। देखिए इस टाइप से हमारा पनीर पंजाबी बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हुआ है। इसी टाइप से आप पनीर पंजाबी बनाइए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पनीर पंजाबी बनेगा आपका। बहुत ही आसान रेसिपी बताई हमने आज आपको, बहुत ही आसानी से घर पे इसको बना सकते हो। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे, और नए नए वीडियो देखिए हमारे। धन्यवाद।